देखिए ये छोटा सा वीडियो मैंने बस आपके लिए इसलिए बनाया है, एक मिनट का ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको लास्ट का 60 डेज का मैं स्ट्रेटजी दे दूं। 60 डेज की स्ट्रेटजी क्या होगी कि ये जो मंथ है अगस्त, इसमें जितना भी आपका सिलेबस बाकी है, चाहे वो PT365 बाकी है, करंट अफेयर बाकी है जो आशीष पढ़ा रहे हैं, या आपका लक्ष्मीकांत बाकी है, स्पेक्ट्रम बाकी है, ये सारा इस महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे चैनल से हो, बाहर से हो, आप सेल्फ स्टडी करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, या पूरा कंप्लीट करो। कुछ मार्क्स देने बाकी हैं तो वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो अगला महीना होगा, मतलब जो सितंबर का महीना होगा, पूरा का पूरा डेडिकेट होना चाहिए रिवीजन पे। अगर आपने सारी मेहनत करके भी सितंबर में सारी साल भर की चीजें रिवाइज नहीं की तो आप किस्मत के भरोसे चले जाओगे, और किस्मत के भरोसे मत जाओ, मेहनत के भरोसे जाओ। मैंने एक्सपीरियंस है मुझे इस साल, इसमें 2015 से हूं मैं ना, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया अगला महीना पूरा सिलेबस साल भर का, तो आपके मार्क्स 125 से 88 पे चले जाते हैं। तो डोंट टेक दैट चांस। इस महीने में आप ये करिए कि सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मतलब क्या है, बुक पूरा कवर टू कवर नहीं करना बुक को, आपको जैसे मॉक दे रहे हो ना, तो वहां से एक एक पेज का रिवाइज करना है एक एक क्वेश्चन से। इसके तरह ही आपके पूरे जो है इस प्रोसेस में बुक रिवाइज हो जाएगी। कवर टू कवर मत पढ़िए, और नेक्स्ट मंथ फुल्ली रिविजन के लिए डेडिकेट करिए। आपको एक इनसाइड बात बता रहा हूं, आप बिलीव करो नहीं करो आपकी मर्जी, आप कहां से सुन के आओ, आपके 15th ऑफ अगस्त के बाद का करंट अफेयर नहीं आएगा। तो यही 15 दिन आपको करंट अफेयर करने हैं। ऑप्शनल नहीं टच करो इस महीने में बिल्कुल, ना आंसर राइटिंग ना ऑप्शनल, कुछ भी नहीं करना है। फुल्ली डेडिकेट करिए प्रीलिम्स के लिए, और पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, हाँ ये स्टैटिक में बता रहा हूं, करंट में इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आपको स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चीजें आसान है, ज्योग्राफी में खाली मैपिंग कर लीजिए और 12th क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लीजिए, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कर लीजिए, हिस्ट्री में तमिलनाडु करिए, एनसीईआरटी करिए और नितिन सिंघानिया करिए, वो टफ है बट करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी बता दिया, इकोनॉमी में ओनली करंट अफेयर तो मेरा PT365 और आशीष के मार्क्स के बाद के वीडियोस। ठीक है, एनवायरमेंट में मेरा PT365 और जहां जहां उसमें स्टैटिक कराया है वो शंकर आईएएस से देखना होगा। तो शुरुआत के जो इकोलॉजी वगैरह के चैप्टर है लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, अदरवाइज छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, करंट कर लो। और बाकी मैंने तो कवर कराया PT365 में, बहुत कुछ कराया मैंने एनवायरमेंट में, आपका क्लियर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कर लेना, ज्योग्राफी में ओनली मैपिंग, बाकी एनसीईआरटी अगर करें तो 11th और 12th क्लास की करें, दैट्स इट। इतने से आपकी तैयारी हो जाएगी। जरूरत यह है कि लास्ट का पूरा महीना जो है वो रिवीजन में डेडिकेट होना चाहिए, नहीं किया तो आपको वाट लग सकती है अच्छे से, दैट्स इट। इतना ही कहना था, और 15 अगस्त के बाद का करंट अफेयर नहीं आ रहा, तो उस चीज का ध्यान रखें, कहीं और ना बिखरे। 15 अगस्त के बाद का करंट अफेयर नहीं आ रहा, आएगा तो आप मुझे रिपोर्ट कर देना उस टाइम पे, ठीक है, नहीं आएगा उसके बाद का छोड़ देना, दैट्स इट। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, है ना। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।